तो दोस्तों हमारे अगले राउंड में जाने वाले तीसरे और आज के आखिरी फाइनलिस्ट हैं। एक मिनट चाचा जी, मिस्टर एंड मिसेज पिंटू जी। तो दोस्तों हम अपना आज का फाइनल यहीं पे रोकते हैं और अगले चरण में आगे बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिंकी बिटिया, अब पिंकी बिटिया। हाँ चाचा जी बोलिए। ये सब कहाँ है? कृष्णा और पिंटू फाइनल में कैसे पहुंच गए? हमने आपसे कहा ना कि आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, अभी फाइनल राउंड बाकी है, बस आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। कैसी बात कर रही हैं आप? अब हम वहाँ आके क्या करेंगे? चाचा जी आप अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते कि हम किस तरह पिंटू जी और कृष्णा को ये प्रतियोगिता से बाहर निकलवाते हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। कृष्णा हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जीत के इतना करीब पहुंच गए। ये सब आपके मेहनत और भरोसे का नतीजा है। हमारा मेहनत या हम दोनों का मेहनत? तुम बोली थी ना कि ताली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजती है, और वैसे भी अकेले तो हम इस सफर का शुरुआत भी नहीं कर पाते। दीदी जीजा जी बधाई हो। दीदी आप लोग तो बस जीतने वाले हैं। पिंटू जी आप लोग उस तरफ चलिए, वहां कुछ पत्रकार लोग आप लोगों से बातचीत करना चाहते। जी चलो कृष्ण। अभी अभी आप दोनों ने मंच पर जो अपना जोश और जज्बा दिखाया है, क्या हम पूछ सकते हैं कि इसका राज क्या है? कैसा बात कर रही हैं आप? अब पुराना चावल का मुकाबला कौन नया चावल कर सकता है क्या? देखिए कुछ मूर्ख औरतें अपना निकम्मा पति का बोझ कंधे पे उठा के ये कहती हैं कि ई तो हमारा सच्चा जीवन साथी है,